This conference will now be recorded. Okay. So a very good evening to everyone. My name is CA Ashish Sajde. First of all, a very happy new year to everyone, and a big thumbs up to whoever is attending this session. As सारी दुनिया जब almost सारी नहीं वैसे almost काफी लोग जब अपने weekends enjoy कर रहे हैं holidays enjoy कर रहे हैं तो we are few people among them who are actually giving our time to learn something or get a financial knowledge about something. So we should be proud about ourselves and be good that कि हम एक हमारा जो first day है 2022 का वो काफी एक अच्छी तरीके से हम utilize कर रहे हैं. So first of all I would like to introduce myself. My name is जैसा दिख ही रहा है CA Ashish Sajde. I am a practicing chartered accountant. I've been practicing since past 2 years in direct taxes, which is generally known as income tax. जो ज्यादातर लोगों को income tax बोलकर पता है. तो काफी वक्त ऐसा होता है कि ड्यूरिंग आ प्रैक्टिस एंड आल्सो ड्यू टू माय मेडिकल बैकग्राउंड कि मेरे फैमिली में ही काफी सारे डॉक्टर्स हैं. लाइक आई कैन से वी इन माय फैमिली आई हैव अराउंड 18 to 20 डॉक्टर्स राइट फ्रॉम एमबीबीएस टू फिजियोथेरेपिस्ट. वी हैव ऑल टाइप्स ऑफ डॉक्टर्स इन आवर फैमिली एंड मेनली जो मेरी फैमिली है 5 पीपल इन माई फैमिली लाइक माई फादर डॉक्टर हरीश जी ताते ही इज अ प्रैक्टिसिंग डॉक्टर सिंस लास्ट 30 to 35 years. माई ब्रदर ही इज एन ऑर्थोडोंटिस्ट ही इज डॉक्टर गौरव ताते एंड माई भाभी शी इज डॉक्टर पूजा ताते शी इज एन एंडोडोंटिस्ट. सो ड्यू टू दिस मेडिकल बैकग्राउंड एंड ऑल्सो ड्यू टू सो मेनी डॉक्टर्स इन माई फैमिली I've always been surrounded by doctors about financial questions. कि ये कैसे manage करते हैं, ये tax कैसे बचता है, या फिर जो भी कुछ सवाल रहते हैं कि finance को लेकर, तो होता है कि doctors को इतना idea नहीं होता है कि कैसे manage कर सकते हैं, या फिर उनको idea है भी तो उनके पास इतना time नहीं होता है. So here we are for the same session कि कैसे हम देख सकते हैं या कैसे हम ये सब कुछ manage कर सकते हैं. So अगर काफी लोगों को सवाल होगा कि अगर इतने सारे डॉक्टर्स हैं तो मैं कहाँ से सीए बन गया, तो आई वुड लाइक टू शेयर दैट कि मैं भी 11th 12th एक साइंस का ही स्टूडेंट था, बट सीईटी के बाद फिर मैंने सोचा कि यार मेडिकल डॉक्टर नहीं हो सकते तो क्या होता है, फाइनेंशियल डॉक्टर बनते हैं. तो ऐसे ही फिर से मेरी सीए की जर्नी शुरू हुई है. फर्दर इंट्रोडक्शन पार्ट के बाद अब ऐसा है कि मूविंग अराउंड द टॉपिक, सबसे पहले तो हम देखते हैं कि व्हाई फाइनेंस इज अ इम्पोर्टेंट टॉपिक. जैसे काफी लोग नहीं समझ पाते या नहीं उसको इतना इम्पोर्टेंस देते हैं कि इतना क्या ही हो रहा है कि अगर नहीं पता है तो क्या हो गया फाइनेंस के बारे में. जस्ट जस्ट तो पहले तो टॉक को जो एक वर्ड आता है कि फाइनेंशियल लिटरेसी. अभी जब भी फाइनेंशियल लिटरेसी एक ऐसा वर्ड आता है तो सभी का रिएक्शन हो जाता है कि ये जो अभी स्क्रीन पर हम देख रहे हैं ये क्या वर्ड है, कौन सी दुनिया का वर्ड है और कैसे, मतलब ये होता क्या है. तो बेसिकली आई एम गोना शेयर वन फैक्ट विथ यू ऑल कि इट्स अ वेरी टेरिबल फैक्ट कि जो मैं अभी शेयर कर, आई एम सेइंग इट टेरिबल बिकॉज वी आर इन 2022. यही अगर हम 2001 में होते थे या फिर फॉर दैट मैटर अगर 2010 में होते थे तो ये काफी ओके टाइप्स इश्यू था कि ठीक है हमें नहीं पता है, बट वेयर आर इंडियन इकोनॉमी इज गोइंग टूवर्ड्स बीइंग अ ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी, जहाँ पर हमारी गवर्नमेंट एक बहुत बड़ा दावा कर रही है कि अगले कुछ साल में हम लोग अभी एक ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी के तरफ बढ़ रहे हैं. तो फाइनेंशियल लिटरेसी में हम कहाँ स्टैंड होते हैं,
वैसा एक स्टैट्स है कि आप सभी को पता है कि इंडिया इज होम टू ऑलमोस्ट 17% ऑफ ग्लोबल पॉपुलेशन। ग्लोबल पॉपुलेशन चाइना के बाद हम सेकेंड है पॉपुलेशन में, और 17% जो एक काफी मेजर परसेंटेज ऑफ अमाउंट इंडिया का पॉपुलेशन। लेकिन उसके बाद इंडिया के पॉपुलेशन इसके होने के बावजूद जो हमारा लिटरेसी रेट है, ये एक नॉर्मल लिटरेसी रेट जो कि कितने लोग पढ़ सकते हैं कितने लोग लिख सकते हैं उसका, उस लिटरेसी रेट की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये जो एक नॉर्मल लिटरेसी रेट है तो हमारे यहाँ पे एक काफी ओके ओके टाइप, नॉट वेरी बैड ऑल्सो नॉट वेरी गुड काइंड ऑफ लिटरेसी रेट है कि हमारे यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रीन पर 78% लोग लिटरेट्स है, जा तो उसके अगेंस्ट में 24% 22%, एक काफी छोटा अमाउंट ऑफ बोल सकते हैं हम कि लोग अभी तक भी पढ़ाई की ओर नहीं आए या फिर उनको उतना पढ़ना लिखना नहीं आता है। तो दैट इज अ वेरी स्मॉल अमाउंट। लेकिन जब हम फाइनेंशियल लिटरेसी की ओर देखते हैं तो ये एक ऑल टुगेदर एक बोल सकते हैं कि एक इनवर्स प्रोपोर्शन में है कि जब जहाँ पर फाइनेंशियल लिटरेसी की बात आती है तो वहां पर ऐसा है कि 76% ऑफ पीपल इन इंडिया डोंट नो हाउ टू मैनेज देयर फाइनेंस, देयर आर फाइनेंस दे आर फाइनेंशियली नॉट वेरी लिटरेट और वी कैन से नॉट लिटरेट, कि उनको पता ही नहीं है कि उनके फाइनेंसेस कैसे मैनेज करना है। जबकि सिर्फ 24% जो एक काफी छोटा अमाउंट है, और मैं ये वर्किंग क्लास की बात कर रहा हूँ कि इसमें बच्चे भी नहीं आते, बहुत ज्यादा बूढ़ों का भी इसमें ये नहीं है, ये 76% लोगों को पता ही नहीं है। हमें स्कूल में सिखाया जाता है कि लर्न सो दैट यू कैन अर्न, कि पैसे आप पढ़ाई करो आप अच्छी शिक्षा लो कि जब आप बड़े हो तो आप कैसे अपनी फाइनेंसेस ये कैसे करोगे, आप कैसे पैसा अर्न कर पाओगे। लेकिन ये कोई नहीं सिखाता है कि ठीक है भाई बड़े हो गए एक टाइम आ जाएगा, लेकिन उस पैसे को आप मैनेज कैसे कर पाओगे ये जनरली कोई नहीं बताता। तो ये एक काफी इम्पोर्टेंट इश्यू है इंडिया में जो हम स्कूल लेवल पर भी, मैं तो चाहूंगा कि ये शुरू हो जाए कि ठीक है पढ़ना है उससे पैसे अर्न करना है, लेकिन उस पैसे को मैनेज कैसे करना है ये भी एक बहुत बड़ा एजुकेशनल ये रहना चाहिए कि जहाँ पे सबको बताया जा सके कि हम कैसे अपने फाइनेंसेस को मैच कर सकते हैं। तो एक्चुअली देखा जाए तो 24% हमारा लिटरेसी का रेट है, उसमें भी ऐसा है कि जो मैक्सिमम पार्ट जैसे महाराष्ट्र में देखो जाओ तो महाराष्ट्र का लिटरेसी फाइनेंशियल लिटरेसी रेट काफी मतलब सिर्फ 17% है, दिल्ली का 32% है, वेस्ट बंगाल है जो काफी 21% है, ये सब में गोवा एक ऐसी ऐसा स्टेट है जो काफी अच्छा फाइनेंशियल लिटरेसी का रेट है विच इज ऑलमोस्ट 50%। कि गोवा का जो फाइनेंशियल लिटरेसी का रेट है वो 50% है जो काफी मैं कहूँगा अच्छा है, और सबसे कम जो है वो छत्तीसगढ़ का है 4%। अब छत्तीसगढ़ जैसे है कि वहां पर पॉवर्टी है, बिहार हो जाता है, यूपी हो जाता है, यहाँ पर अभी तक भी लोग बेसिकली लिटरेट नहीं है, तो फाइनेंशियल लिटरेसी भी एक और उन्हें थोड़ा टाइम लगेगा ये सब में आने के लिए। तो जब मेरी और डॉक्टर आदित्य सर से बात हो रही थी कि फाइनेंसेस पे अगर कोई हम डॉक्टर्स को लेक्चर दे पाए, तो पहले तो हमने सोचा था कि जो स्टूडेंट्स है एकेडमी के जो स्टूडेंट्स है तो उसमें ऐसा है कि काफी लोगों को इश्यू आ सकता था कि मैच कर पाएगा क्या नहीं या ये ठीक से हो पाएगा क्या नहीं। तो जैसे देखा जा सकता है कि अगर हम डॉक्टर्स पे ही फोकस करते हैं तो डॉक्टर्स के साथ साथ में अनदर थिंग इज वी कैन ऑल्सो फोकस ऑन, जैसे अगर डॉक्टर्स स्टूडेंट्स है स्टूडेंट के साथ साथ उनके फैमिली वाले हो सकते हैं जिनके पेरेंट्स डॉक्टर है, या फिर हो सकता है कि उनके भैया या उनके भाभी ये लोग भी डॉक्टर्स हैं। तो फिर हमें ऐसा लगा कि वी शुड कवर ऑल टाइप्स ऑफ डॉक्टर्स, कि किसी को लिमिट नहीं करते हैं, सो वी हैव कवर्ड अ रेंज ऑफ डॉक्टर्स कि आज के टॉपिक जो है अपना वो किसके अराउंड इवॉल्व करेगा। तो एक जो एज रेंज है वो है 25 to 35, जो या इसके पहले भी जो है कि 20s में भी है, जनरली आप डॉक्टर बनते हो अर्न करने लगते हो तो तब तक आपका एज वो हो ही जाता है कि 25 से ही, या फिर मैक्सिमम कुछ अगर आप स्पेशलाइजेशन कर रहे हो तो 30 के रेंज तक आपका एज चले जाता है, तो वो एक कैटेगरी आएगा। फिर आएगा कि 35 से 55 जो एक स्टेबल रेंज माना जाता है कि ये टाइम में आप काफी इनकम भी आपका बढ़ जाता है और फाइनेंसेस भी काफी बढ़ जाते हैं तो वो टाइम पे, और अगर जो अबव 55 है तो ये कैटेगरी के लोग कैसे मैनेज कर सकते हैं।
So this will be our age range for today. And another thing is ki what kind of work you are doing. Ki agar aap finances aapke through job aa rahe hai ya fir wo kaise bhi ho sakta hai, ya to government job ho sakta hai ya fir ek aapka private job ho sakta hai, jaise bhi ho sakta hai, ya fir aap ek full time mein apna khud ka hi aapka hospital hai, aap khud ka apna clinic hai, ya aise hi aap apne practice mein, to ye sab ho sakta hai. तो ये वाला है. और अगर आप एज अ कंसल्टेंट कि किसी हॉस्पिटल से आप अगर अटैच हो तो फिर आप कैसे अपना फाइनेंशियल मैच कर सकते हो. तो वर्किंग क्लास में है एक जॉब वाले डॉक्टर्स जो है जो प्रैक्टिस में है और जो हॉस्पिटल्स अपना खुद का हॉस्पिटल चला रहे. तो बेसिकली आप सभी का एक सबसे पहला क्वेश्चन रहेगा कि वाई इतना इम्पोर्टेंट क्यों है कि डॉक्टर्स को फाइनेंशियल प्लान करना क्यों जरूरी है. अगर नहीं करते हो तो क्या हो सकता है, या जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हो कि क्या ही तकलीफ हो जाएगी अगर हम नहीं करते हैं फाइनेंशियल प्लान. तो उस पे अगर देखा जाए तो सबसे मेन तो जो आता है कि आपका एज फैक्टर. जैसे ही हम शुरू करते हैं, जैसे डॉक्टर्स का एक बेसिक एजुकेशन अगर हम देखा जाए तो वो शुरू होता है एट द एज ऑफ अराउंड, खत्म होते होते आप 25-30 के एज में आपका अर्निंग स्टार्ट करते हो. जो अगर आप कंपैरेटिवली कोई और ग्रेजुएशन के कोर्स से देखो तो काफी लो है कि लोग इंजीनियर से अगर आप कंपेयर करते हो दे स्टार्ट अर्निंग इन 21, बाकी और कोई ग्रेजुएट से तो 21-22 या मैक्स टू मैक्स 23. इतने एज तक आप काफी सारे लोगों का इनकम स्टार्ट हो जाता है. बट अगर हम डॉक्टर्स के केस में देखते हैं तो इनका अर्निंग काफी लेट शुरू होता है. तो एक तो आपकी जो लाइफस्टाइल है वो थोड़ी लाविश काइंड ऑफ होती है कि आपको आदत होती है कि एक अच्छे लाइफस्टाइल में रहने की, और सेकेंडली आपका अर्निंग ले स्टार्ट होता है. तो ये एक काफी बड़ा इशू है क्योंकि फाइनेंस में ऐसा है कि आप जितना जल्दी स्टार्ट करो उतना आपके लिए सही रहेगा. तो इसके लिए आपका एज काफी एक मैटर करता है. सेकेंडली जो है कि लैक ऑफ नॉलेज ऑफ फाइनेंस. मेडिकल नॉलेज तो आपको काफी है, और ये भी एक रीजन है कि आप हमेशा मेडिकल नॉलेज में ही काफी इतने बिजी रहते हो, आपको उसी में से ही टाइम नहीं मिलता है. कि मेडिकल का कोर्स अगर देखा जाओ तो ग्रेजुएशन का ही जो है वो 5-6 से 5 इयर्स कोर्स चलता है. फिर उसके बाद में अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हो तो फिर उसमें भी का ऑलमोस्ट 3 इयर्स का टाइम पीरियड लग जाता है. तो ये अगर आपका ऑलरेडी आप इतने ऑक्यूपाइड होते हो इन सब में तो आप फाइनेंस को तरफ निग्लेक्ट करते हो. और एक जो अपना एक रहता है कि एक ह्यूमन टेंडेंसी है कि जो मेरा एरिया है नहीं तो मैं उस पर ध्यान क्यों दूं, तो ये भी एक होता है. अनदर रीजन इज कि बिजी शेड्यूल. जैसे मैंने कहा कि ये बिजी शेड्यूल की वजह से ही एक्चुअली लैक ऑफ नॉलेज आता है कि आप ऑलरेडी अपने काम में, अगर आपका इंटर्नशिप चल रहा है या फिर आप पोस्ट ग्रेजुएशन में हो तब तो आपको ये भी करना होता है, पेशेंट्स भी मैनेज करने होते हैं, काम भी करना होता है, तो इसमें आप ऑलरेडी काफी ऑक्यूपाइड हो. तो ये एक बिजी शेड्यूल की वजह से भी आप फाइनेंसिस पे थोड़ा इग्नोरेंस रखते हो. सेकेंड इज की नो पेंशन. अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हो कि आप गवर्नमेंट डॉक्टर हो तो एक प्रोबेबिलिटी हाई है कि आपको पेंशन आती रहेगी. बट अनदर रीजन ये मतलब वो एक रीजन आपके पास नहीं है कि आप पेंशन के भरोसे रह सकते हो कि व्हेन यू आर नॉट इन द एज ऑफ अर्निंग. एक टाइम आएगा जब आप नहीं काम कर पाओगे, तब आज ही के वो फाइनेंसेस रहेंगे, आज ही की वो आपकी सेविंग्स रहेगी जो आपको इन फ्यूचर काम में आएगी. तो वो एक बहुत मेजर इशू हो जाता है डॉक्टर्स के लिए कि आपके पास में पेंशन नहीं आती है कि जब आप काम करना बंद कर दो तब आपके पास कोई पैसा लाके दे या आपको पैसा आता रहे, ऐसा कोई आपके पास में सोर्स नहीं. अनदर थिंग व्हाई वी रिक्वायर्ड डॉक्टर्स नीड अ फाइनेंशियल प्लानिंग. एक्चुअली ये देखा जाओ तो ये सेशन नाम के लिए डॉक्टर्स का है, लेकिन अगर सभी देखते हैं या एनीवन हु इज इंटरेस्टेड इन फाइनेंस अगर वो भी देखता है तो उसे भी इस चीज से समझ जाएगा कि ये एक जनरल टर्म में है. तो लास्ट पॉइंट इज गोल मैपिंग. गोल मैपिंग एज इन जो जैसे जैसे आपका फाइनेंस आ रहा है उसके हिसाब से ही अपने गोल सेट होते हैं. जैसे अगर आप आज के एज में हो तो आपका रहेगा कि मुझे अपना हॉस्पिटल डालना है, मुझे क्लिनिक डालना है, या फिर मुझे और हायर एजुकेशन लेना है. तो ये जो है वो आपके फाइनेंशियल प्लानिंग के साथ साथ आपका गोल मैपिंग भी होना चाहिए कि ये दोनों एक सेम पेज पर चले, सेम ट्रैक रिकॉर्ड पर ट्रैक पर रहे कि आपका जो फाइनेंस है उसी के साथ साथ आप अपने गोल्स भी अचीव कर रहे हैं. तो ये काफी मेजर पॉइंट रहता है. लेकिन जब भी डॉक्टर्स को पूछा जाए
मतलब एक जनरल होता है कि जो आप लोग बिजी रहते हो, तो आप किससे अपनी अपनी फाइनेंशियल एडवाइस अभी तक लेते आए हो? मैं अगर पूछूं कि अभी तक आपने किससे अपनी फाइनेंशियल एडवाइस ली है, तो सबसे पहले आएगा कि जो आपका फ्रेंड है, कि जो भी हमारा एक फ्रेंड है हमने उनसे ली है। सेकेंडली आते हैं कि जो रिलेटिव्स है जिनको थोड़ा बहुत नॉलेज है, हम उनसे ले लेते हैं कि इनको पता है, कोई भी अगर अपना रिलेटिव है तो हम उनसे फाइनेंशियल एडवाइस ले लेते हैं कि हम कैसे मैनेज करें। कुछ रहते हैं जो अपने सीनियर डॉक्टर्स हैं जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई है, उनसे कर लेते हैं। अनदर भी बहुत अपना फ्रीक्वेंट जो ये आता है, जैसे आपका एक बहुत फ्रीक्वेंट इंटरेक्शन जो आपका आप लोगों का आता है, वो आता है डॉक्टर्स के साथ में, कि अगर आप लोग सॉरी बैंकर्स के साथ में आप लोग काफी मतलब और बैंकिंग ट्रांजेक्शन है, और बैंकर्स के लिए भी आप एक इजी टारगेट हो जाते हो, तो वो भी आपको कांटेक्ट करते रहते हैं डेली बेसिस पर। और लास्टली अगर कुछ है तो फिर आप जो आपके सीएस होते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं, आप उनसे कंसल्ट करते हो फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए। लेकिन जैसे मुझे जो पर्सनली लगता है कि ये जो अभी है, हाँ ये गलत है, आपने एक्चुअली नहीं लेना चाहिए इन लोगों से। जैसे अगर मैं कोई फ्रेंड से कंपेयर करूँ आपका, कि ये क्यों आपका रॉन्ग नंबर लग रहा है फाइनेंशियल प्लानिंग या फाइनेंशियल एडवाइस लेने, तो जैसे अगर हम देखते हैं फ्रेंड फ्रेंड हमारे एक्चुअली ऐसा होता है कि अगर आप सेम एज ग्रुप के फ्रेंड से ही अगर आप कंसल्टेशन ले रहे हो, तो हो सकता है कि उसने भी अभी ही इनकम स्टार्ट की हो अपनी, या फिर उसे भी उतना नॉलेज नहीं हो कि कैसे ये सारे फाइनेंसेस मैच कर सकते हैं या फिर कैसे हम हैंडल कर सकते हैं। जैसे हम अगर देखा जाओ तो बचपन में हम जो सुना करते थे हमारे पेरेंट्स से कि शर्मा जी का लड़का अगर पेड़ से कूदेगा तो भी वहां से ही कूदेगा क्या? तो वो जो एक फंड है कि भाई फाइनेंस का भी कुछ ऐसा ही है कि भाई तुम्हारा फ्रेंड अगर पैसे लगा के डुबा रहा है, तो आपका भी क्या वही इंटेंशन रहेगा कि ठीक है फिर मेरा फ्रेंड का डूब गया तो मेरा डूब गया तो इतना क्या है उसके अंदर? बट वैसा नहीं कर सकते फाइनेंस, जैसे क्योंकि अर्निंग मनी इज वेरी डिफिकल्ट एंड यूजिंग दैट मनी वाइजली इज अनदर अ डिफिकल्ट टास्क। तो आप वो नहीं कर सकते हो कि अगर हमारा फ्रेंड वो कर रहा है तो हम उसी से कंसल्टेंट से ही ले ले कि कैसे फाइनेंसेस मैच करने। रिलेटिव से भी मैं सजेस्ट करूंगा कि नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उनके जो एक्सपीरियंसेस रहे हैं, मे बी उनके टाइम पे जो फाइनेंशियल जो भी अगर कोई इक्विपमेंट है उसमें अगर वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो मे बी उस टाइम पर वो रिटर्न आपको सही आ गया हो, लेकिन हो सकता है आगे आपको उससे नहीं आए। आपके डॉक्टर्स जो फ्रेंड है वो भी मतलब जैसे डॉक्टर्स को मैंने ऊपर ही बताया, पहले ही बताया कि नहीं होता इतना नॉलेज, तो उनसे आपने नहीं लेना चाहिए। बैंकर्स का एक्चुअली आपको आजकल जो बैंकर्स ने शुरू कर दिया है कि वो भी एक फाइनेंशियल प्रोडक्ट सेल करते हैं, तो मैं तो अभी बैंकर्स और सीएस का क्यों नहीं लेना चाहिए, उसके रीजन क्या है मैं अभी वो आपको आगे बता दूँ कि हमने क्यों नहीं लेना चाहिए ये लोगों से एडवाइस अगर कुछ होता है तो। फिर आते हैं हम इस टॉपिक पर कि ठीक है अभी नहीं लेना है इनसे पता चल गया ठीक है, बट फाइनेंशियल टीम जो होती है कि अपनी फाइनेंशियल टीम में हम किसे रखें, कि कौन लोग अगर है कि मैं अपने फाइनेंशियल टीम में अगर ये लोगों को ऐड करते तो सर्टेन अमाउंट ऑफ पीपल इफ आई ऐड इन माय टीम आई विल बी वेरी ओके विद इट, कि मुझे फिर कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो द फर्स्ट इज कि हम लोग, सबसे पहले तो मैं मेरा ही नाम लेना चाहूंगा कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, हाँ ठीक है प्रेजेंटेशन है बट खुद का भी तो ब्रांडिंग करना है, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को आपने अपनी टीम में ऐड करना चाहिए। क्यों? तो आपका जैसा एक मेजर इनकम होता है कैश के थ्रू होता है, आपको फाइनेंशियल हेल्प लगती है, आपको अगर कुछ टैक्स प्लानिंग करनी होती है, आपको सेटअप करना है। अभी कि काफी मैंने देखे हैं लोग जिनको नहीं पता है, जैसे अभी मैं रिसेंटली एक केस में आया, मेरे पास जो आया था वो था कि एक इंजीनियर हस्बैंड था और उनकी वर्किंग वाइफ थी जो डेंटिस्ट थी, तो वो इंजीनियर हस्बैंड उनका ऐसा हुआ कि उन्होंने जो चेयर लेनी थी मतलब जो डेंटल की चेयर होती है वो उन्होंने हस्बैंड के नाम पर ली, ये सोच के कि सैलरी में कुछ तो बेनिफिट मिल जाएगा अगर हम कोई मेडिकल इक्विपमेंट अपने नाम पे लेते हैं। क्यों? तो वाइफ इज नॉट अर्निंग येट, तो अगर वो अर्न नहीं कर रही है तो फिर मैं कैसे उसके नाम पे कोई फिक्स एसेट बोलो या कोई एसेट कैसे ऐड करो जब वो अर्न ही नहीं कर रही। एक्चुअली ये ऐसा नहीं होता है, आपने कभी भी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बोलिए या और भी अगर कोई फाइनेंशियल है उनसे कंसल्ट करना चाहिए कि आप कैसे इसको मैनेज कर सकते हैं। तो एक सीए अगर आपके टीम में है तो आपको रिटर्न फाइलिंग के लिए हेल्प कर सकता है, आपको अच्छे टैक्स प्लानिंग में हेल्प कर सकता है।
सेकेंडली बैंकर्स, हाँ बैंकर्स भी आपके फाइनेंशियल टीम में होने ही चाहिए। वो इसलिए होने चाहिए बैंकर्स आपके टीम में क्योंकि वो आपको बताएंगे कि आप कैसे अपने जो आपको अगर फंड्स लग रहा है तो आप वो कैसे फंड्स बैंक से ले सकते हो, वो फंड्स आप कैसे रूट कर सकते हो, या फिर आपको कितने मतलब जो एक बेटर लोन इंटरेस्ट का रेट रहता है वो आपको कहाँ से अच्छा मिलेगा, ये काम होता है बैंकर्स का। अगर वो आपको इन्वेस्टमेंट पे सजेस्ट कर रहे हैं या कोई इंश्योरेंस पे सजेस्ट कर रहे हैं, अब मुझे लगता है कि आपने बैंकर्स के पास उसके लिए नहीं जाना चाहिए क्योंकि बैंकर्स का वो काम ही नहीं। हाँ अगर मतलब जैसे होता है कि बैंकिंग हो गया या बैंकिंग सर्विसेज, जैसे अगर आपको लोन लग रहा है तो आजकल हम देखते हैं कि HDFC बैंक जो ये प्राइवेट बैंक है ये बहुत इजीली आपको लोन दे देते हैं क्योंकि इनका मेन टारगेट ये होता है कि टारगेट अचीव करना। इनको पता है कि किससे किसको देने के बाद अपने टारगेट्स अचीव हो जाएंगे, रीपेमेंट भी आ जाएगा। लेकिन मेन जो इशू होता है जो ये प्राइवेट बैंक्स होते हैं उसमें ऐसा होता है कि इनका इंटरेस्ट रेट काफी हाई होता है, इसके लिए वो देते वक्त भी उनको कोई इशू नहीं होता है कि, और डॉक्टर्स हो गए या कोई भी इन जनरल पब्लिक हो गई, हर किसी को लोन काफी जल्दी चाहिए विथ लेस लेस पेपर वर्क। तो अगर कम पेपर वर्क होता है तो हमारा इंटेंशन होता है कि यार ठीक है मेरा दिमाग तो नहीं लग रहा है ना, मुझे लोन तो मिल रहा है, लेकिन प्राइवेट बैंक्स के पास में आपने लोन के लिए जाना मुझे तो सही नहीं लगता है। अगर आपको बेटर फाइनेंशियल सर्विस लग रही है तो आप जा सकते हो कि आपको फास्ट सर्विस है, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट है, तो उसके लिए आप प्राइवेट बैंक्स के पास जा सकते हो। बट अगर लोन लेना है तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आपने इनको कवर कर मतलब इनके पास जाना चाहिए, नेशनलाइज बैंक के पास। थर्ड जो आपके इसमें मेनली होते हैं कि आप सारे जो डॉक्टर्स हैं, तो मैं आपको इसके ये बताऊंगा कि अपनी फाइनेंशियल टीम में आप हमेशा एक इंश्योरेंस एजेंट को ऐड करके रखें। इंश्योरेंस एजेंट भी एक्चुअली फाइनेंशियल हेल्प नहीं कर सकते, लेकिन मैं आज ही आपको सजेस्ट करता हूँ कि एक टर्म इंश्योरेंस जो होता है कि अगर हमें कुछ हो जाता है बाय एनी चांस, जो प्रोबेबिलिटी अगर कुछ है, जैसे आजकल आप काफी कोविड में काम करते हो विदाउट एनी इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस ना लेते हुए भी काफी डॉक्टर्स काम करते हैं, मेरे ही काफी फ्रेंड्स हैं जो मैंने देखे हुए हैं वो काम कर रहे हैं इसमें। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप कीजिए काम, लेकिन आप पहले एक टर्म इंश्योरेंस निकालिए, जितना कम आपका एज रहेगा उतने ही कम आपको प्रीमियम लगेगा। जैसे जैसे आपका एज बढ़ता जाएगा आप सोचोगे कि नहीं, अभी का मैं जब अर्न करने लग जाऊंगा तो आप समझ लीजिए आपका प्रीमियम अमाउंट उतना बढ़ जाएगा अगर आप अभी से स्टार्ट करते हो। और टर्म इंश्योरेंस इज द चीपेस्ट इंश्योरेंस इन द वर्ल्ड, मतलब सबसे सस्ता होता है, जितना कम आपका एज रहेगा उतना ही कम आपका प्रीमियम रहेगा। तो आपने मेरे हिसाब से एक टर्म इंश्योरेंस और एक मेडिक्लेम का पॉलिसी, जनरली अगर आप स्टूडेंट हो, जो मोस्टली यहाँ पर अपने लेक्चर में अभी स्टूडेंट ही है तो उनका ऐसा है, या फिर जो डॉक्टर्स भी है तो मेनली ये एज में अगर हम 25 या 30 के अंदर है तो हमारा मेडिक्लेम हमारे पेरेंट्स की पॉलिसी में कवर होता है। और अगर आप ऐसे फैमिली में हो कि आपका मेडिक्लेम भी नहीं निकाला है अभी तक, तो आई वुड सजेस्ट कि प्लीज आप मेडिक्लेम निकाल लीजिए क्योंकि आज का जो टाइम चल रहा है कि जितना कोविड का फेज हो गया है और भी जो फाइनेंशियल बर्डन आ जाता है, एक आधे अगर आप हॉस्पिटल में बाय एनी चांस एडमिट हो जाते हैं तो एक छोटा सा प्रीमियम आपका जाता है। अगर कम एज में हो आप, हार्डली मैं कहूंगा 20,000 मैक्स हो गया अगर आप 50s के भी एज में हो, और अगर आप जल्दी शुरू करते हो तो वो एक एज में अगर आप मेडिक्लेम ले लेते हो तो आपको आराम से 20,000 के प्रीमियम में आपको मैं कहूंगा 5 से 10 लाख का आपका कवर मिल जाएगा आपको। तो इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा कि एक मेडिक्लेम और एक टर्म इंश्योरेंस। बाकी अगर कोई इंश्योरेंस एजेंट आपको कुछ सेल कर रहा है कि आप यूलिप का जो होता है यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान होते हैं, या फिर और कोई इंश्योरेंस है कि मनी बैक पॉलिसीज है, आप मत लीजिए क्योंकि ये एज में आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं। लॉयर जो है ये भी आपके डॉक्टर्स बनने के बाद आपके टीम में रहना चाहिए, नॉट वेरी फ्रीक्वेंट फ्रेंड ऑफ अस, बट अगर कुछ आजकल जो केसेस होने लगे डॉक्टर्स पे या फिर और भी कोई टेक्निकल चीज के लिए लगता है तो डॉक्टर्स आपकी हेल्प कर सकते हैं। अनदर थिंग इज आपके इसमें जो रहना चाहिए फाइनेंशियल टीम में वो है रियल एस्टेट एजेंट। रियल एस्टेट एजेंट आपको इसलिए लगते हैं क्योंकि देखा जाओ तो जैसे आपका आज से आप आगे धीरे धीरे जब आप सेटल होने लग जाओगे तो आपको लगेगा एक घर लगेगा, तो आपको एक भरोसेमंद रियल एस्टेट एजेंट लगेगा जो आपको एक अच्छे से सलाह दे पाए कि आप कहाँ पर घर ले सकते हो। अगर आपको हॉस्पिटल सेट करना है तो आप कहाँ पर हॉस्पिटल आपका सेट कर सकते हो, कौन से एरिया में, या जो भी आपका पसंदीदा एरिया है उस एरिया में जो भी रियल एस्टेट एजेंट अच्छा है
वो आपके फाइनेंशियल टीम में रहना चाहिए। और सबसे जो इम्पोर्टेंट रहता है कि ये फाइनेंशियल एडवाइजर, ये फाइनेंशियल एडवाइजर हम सभी को चाहिए एक्चुअली, नॉट ओनली फॉर डॉक्टर, सभी को एक अच्छा फाइनेंशियल एडवाइजर अपने इसमें रखना ही चाहिए, क्योंकि ये वो लोग होते हैं जो आपके इन्वेस्टमेंट को ऐसे मैप करते हैं आपके गोल्स के साथ में, कि धीरे धीरे जब आपकी एज बढ़ती जाए तो आपके कैसे फाइनेंसेस मैनेज हो। तो अगर हम देखा जाए कि अनदर क्वेश्चन विल बी कि हम कैसे एक अच्छा फाइनेंशियल एडवाइजर चूज करें, ये अगर हम क्या करें ऐसा कि जिससे हमें एक अच्छा फाइनेंशियल एडवाइजर मिल सकता है। तो अगर एजुकेशनल पहले तो देखना चाहिए हमने कि उस जो भी वो बंदा है, जो भी वो इंसान है, उसको उस चीज का अच्छे से नॉलेज है क्या, उसको उसमें एजुकेशन लिया है क्या उसने। तो जैसे कोई CFA होते हैं, CFA होते हैं कि चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट जो लोग होते हैं, कि इनका प्रॉपर नॉलेज उसी में होता है कि उनको पता होता है कि कैसे ये लोग मैनेज करना है, या फिर कैसे फंड्स लोगों के मैनेज करना है। CFP एक होता है कैटेगरी, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, जो आपको उसी में हेल्प करते हैं। एक होता है CIPM, इनका काम होता है कि ये सर्टिफिकेट आपको इन इन्वेस्टमेंट और परफॉर्मेंस मेजरमेंट, ये वो काम करते हैं। और एक RIA बोल के जो है कि रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, सेबी रजिस्टर्ड जो होते हैं, ये लोग आपने हमेशा देखना चाहिए कि इनसे हम अपना मैनेज करें फाइनेंशियल जो भी गोल्स होते हैं। सेकेंडली, जो भी आप जिनसे भी कंसल्ट कर रहे हो, ये देखिए कि उन्होंने खुद का अपना वेल्थ मैनेज किया है क्या, मतलब अगर वो आदमी खुद ही का फाइनेंस ग्रो नहीं कर पा रहा है तो वो अपना क्या करेगा। तो वो एक काफी इंपॉर्टेंट होता है। सेकेंडली, उसका गुडविल क्या है मार्केट में, वो एक नोन फेस है या नहीं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आज के टाइम में आती है कि एक्सपीरियंस, वो अगर एक्सपीरियंस वाला है, जो उसे पता है काफी सारी चीजें, तो बस फिर अगर आपका ये जो एक काफी चीजें आपकी सॉर्ट आउट हो जाती है, कि अगर इसमें आप बैठ गए, अगर कोई आदमी आपके फाइनेंशियल एडवाइजर जो भी है इसमें बैठ जाता है, तो आपको काफी इससे हेल्प हो जाएगी। लेकिन जैसे अभी हमने बात की थी, तो आते अपने मेन टॉपिक पे, जो है कि अभी जो आप अर्ली एज डॉक्टर्स हो, उन्होंने कैसे ये सब कुछ मैनेज करना चाहिए। अभी तक अगर किसी को भी कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं एक्चुअली, फिर अभी हम आगे का स्टार्ट करते हैं। और अगर कुछ नहीं है, अगर आप कंटिन्यू करना चाहें, तो प्लीज चैट बॉक्स में लिख दीजिए कि इफ आई कैन कंटिन्यू विद दिस स्पीड, या और भी कुछ अगर किसी को लग रहा है कि स्लो लो लेना चाहिए या कुछ एक्सप्लेन करना चाहिए। आशीष हाँ पुरुषोत्तम, हाँ बोलिए ना। योर सेशन इज वेरी गुड सेशन, बट आई वुड सजेस्ट यू कि बिसाइड दिस फाइनेंशियल प्लानिंग यू यस अरेंज वन योर सेशन ऑन दिस टैक्स कंपटीशन, कि व्हाट इज ओके ओके द थ्रेशोल्ड ऑफ द टैक्स एंड हाउ दे कैन सेव देयर टैक्स एंड ऑल दैट। जी ओके 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 सर, चलिए नेक्स्ट अभी आदित्य जी से बात करके, आदित्य सर से बात करके हम उस पर भी एक सेशन लेते हैं जल्दी। और किसी का कोई डाउट, अगर और किसी को कोई सजेशन हो, या फिर हम एंड में रख सकते हैं जो भी सजेशन है, तो वैसे करते हैं। तो अभी अगर आगे बढ़ते हैं कि हाउ टू मैनेज फंड्स फॉर यंग डॉक्टर्स, जो आप सब अभी जो यंग डॉक्टर्स है, इनके फंड्स हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, या फिर इनका कैसे करना है। तो आप मिस्टेक्स टू भी अवॉइड, मैंने पहले ही दिखा दिया कि ये मिस्टेक्स है, बट हम उस पे जाने से पहले पहले हम ये देख लेते हैं कि आपका कैसे, अभी जो आपका एज है, तो आपके गोल्स क्या होते हैं, आपका जो अभी का गोल है, तो इसमें जनरली आपके गोल्स ऐसा होता है कि अभी जो आपका एज है, उसमें सबसे पहला तो कोई डॉक्टर्स का रहता है कि मेरा अपना सेटअप जो है, कि मेरा हॉस्पिटल का जो सेटअप रहेगा, या फिर आपको कोई एक्सपांशन करना है, या आपके कोई मेडिकल इक्विपमेंट्स परचेज करने, तो वो सब अगर आपको चीजें लेना है। सेकेंड, ये एज में काफी लोगों का जो फाइनेंशियल गोल में एक आ सकता है कि मैरिज का जो एक्सपेंस है, वैसे तो अभी कोविड के इसमें इतना खर्चा नहीं लग रहा है, बट जितना भी लग रहा है वो कैसे मैनेज कर पाए। और एक होता है कि स्पेशलाइजेशन एजुकेशन, या अगर आगे जो मुझे पढ़ाई करनी है वो मैं कैसे मैनेज करूं। बट मैं पहले तो ये जो आपकी एज है, जो तुरंत तो अभी इमिडिएट आपका एज है, तो उसमें आप ये अवॉइड कीजिए सबसे, जो अगर आप स्क्रीन पे देख सकते हो, कि अननेसेसरी का इन्वेस्टमेंट, जो अननेसेसरी इन्वेस्टमेंट है, अगर जैसे मैं इंश्योरेंस बोलूँ, तो आप इंश्योरेंस एक टर्म इंश्योरेंस लीजिए और एक मेडिक्लेम लीजिए, उसके अलावा आपको कोई इंश्योरेंस की जरूरत नहीं। सेकेंडली, आप वो जो बैंक में मिलते हैं मनी बैक पॉलिसी या यूलिप वाला, उसके भी आपको कोई जरूरत नहीं है, वो अगर हम अवॉइड कर पाए तो वो भी काफी अच्छा है।
सेकेंड होता है कि लोन लेना, जो हम हायर इस पे लोन ले लेते हैं, या फिर हम क्रेडिट कार्ड यूज करना शुरू कर देते हैं, या फिर हम व्हीकल लोन लेते हैं, कार लोन लेते हैं अगर वो, और या फिर पर्सनल लोन भी हो गया। अगर व्हीकल लोन हो गया, जैसे अगर आप कंसल्टेंट हो, आप डॉक्टर हो और आप काफी जगहों पर विजिट कर रहे हो, तो फिर वो आपके लिए इन्वेस्टमेंट ही है एक्चुअली, तो वो आपकी रिक्वायरमेंट है, तो वो आपने करना चाहिए। लेकिन अगर आप जस्ट फॉर लैविशनेस या फिर आपका एक स्टेटस बढ़ाने के लिए कर रहे हो, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर आपकी फाइनेंसेस अभी तक स्टेबल नहीं है, तो आप प्लीज थोड़ा अवॉइड कीजिए ये सब करने का, कि एक कम, या फिर अभी आजकल मैं टीवी पे देखता हूँ काफी न्यूज ऐसे, मतलब एक यूट्यूब पर आप ऐड देखते हो कि कोई नवी करके है, कोट नहीं करूंगा बट एक है लोन कंपनी, वो कहते हैं कि देखो सब लोग मालदीव जा रहे हैं घूमने के लिए, तो हम भी लोन लेके चले जाते हैं, फिर आराम से रिपेमेंट कर देंगे। आई थिंक ये एक काफी गलत एडवर्टीजमेंट है, हमने ऐसा नहीं प्रमोट करना चाहिए, क्योंकि लोन लेकर आप अपनी लाइफ को अभी के लिए तो सेटल कर सकते हो, या इमिडिएट आपका कोई रिक्वायरमेंट है, लेकिन बाद में जब लॉन्ग टर्म में देखोगे तो वो वेस्ट लगेगा आपको। अगर आपकी फाइनेंशियली स्टेबिलिटी नहीं है, तो आप कैसे ये सब कर पाओगे? तो क्रेडिट कार्ड के ले लिए लेना, पर्सनल लोन लेना, जो आपके अभी के ग्रोथ में काम नहीं आएगा, तो वो आपने अवॉइड करना चाहिए। और एक होता है लॉक इन इन्वेस्टमेंट, जैसे काफी लोग एक यंग अभी के एज में इन्वेस्टमेंट्स में पीपीएफ में इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देते हैं, तो वो एक चीज होता है। तो पीपीएफ भी एक्चुअली ऐसा है कि जहाँ पे एक लॉक इन पीरियड है, कि आप एक 15 साल आपको रखना पड़ेगा, पैसा कंपलसरी है, उसके पहले विड्रॉ नहीं कर सकते हैं। कुछ टैक्स सेवर बॉन्ड्स या यूनिट्स होते हैं म्यूचुअल फंड के, वो 3-4 साल के लिए होते हैं, जहाँ पे आपको लॉक इन करना होता है। तो लॉक इन इन्वेस्टमेंट से अवॉइड कीजिए, क्योंकि अभी जो हमारा एज है, हम काफी यंग जनरेशन है, और हमें कभी भी पैसा लग सकता है, कुछ भी काम पड़ सकता है। तो लिक्विड इन्वेस्टमेंट हो, जहाँ पे आप नॉर्मल म्यूचुअल फंड्स में है, तो वैसा वाला आप ये कीजिए कि उसमें आप अगर पैसा लगाते हो तो वो आपका बेनिफिशियल रहेगा, तो वो आपको अवॉइड करना है। और सबसे मेन जो आजकल का एक मेजर इश्यू हो गया है, प्लीज अवॉइड शेयर ट्रेडिंग। शेयर ट्रेडिंग अवॉइड करने बोल रहा हूँ मैं, इन्वेस्टमेंट अगर आप कर रहे हो खुद के कुछ नॉलेज से, तो वो काफी अच्छा है। लेकिन जैसे अभी हम यंग होते हैं और हमारे अराउंड अभी लॉकडाउन के बाद एक स्टॉक मार्केट का काफी बज हो गया है कि नहीं, जिसे स्टॉक मार्केट नहीं पता उसे कुछ नहीं पता, तो ट्रेडिंग मत कीजिए आप अभी, आप आपका सेटल कीजिए। आप उसको शेयर मार्केट को ट्रैक कर सकते हो, आप उस पर ध्यान रख सकते हो, बट मैं कहूंगा कि शेयर ट्रेडिंग मत कीजिए, क्योंकि एक काफी अमाउंट उसमें इन्वेस्ट भी करना पड़ता है और ट्रेडिंग के लिए, और वैसे ही वो उतने ही जल्दी लॉस भी हो सकता है। तो इसलिए आप इन्वेस्टमेंट पे अगर आपका फोकस है तो नो डाउट आप कर सकते हैं, लेकिन ट्रेडिंग प्लीज आप अवॉइड कीजिए। अभी मैं ये तो सब बता दिया, बट हम फाइनेंस कैसे मैनेज करें, तो ये एक छोटा सा वीडियो आप लोग प्लीज देखिए 2 मिनट का, फिर उसके बाद फिर से स्टार्ट करते हैं। ओके okay. आपको हर दिन 100% रिटर्न मिलता है, लेकिन ऐसा रियल लाइफ में नहीं होता। लेकिन ये एग्जांपल आपको बताता है कि काफी इंपॉर्टेंट
एक्चुअली अभी मैं मतलब ये वीडियो तो हो चुका, बट अभी एक प्रैक्टिकल एग्जांपल हम देख सकते हैं कि आपके अगर स्क्रीन पे ये दिख रहा होगा, तो जैसे आप लोग अभी डॉक्टर्स हो तो आपकी एज काफी कम है, तो आज से अगर हम इन्वेस्टिंग चालू करते हो तो द पावर ऑफ कंपाउंडिंग जो है कि अगर आप मंथली इन्वेस्टमेंट अगर आप करते हो तो एक बहुत छोटा सा अमाउंट है 500 रुपीज का, पर मंथ आपको 500 रुपीज इन्वेस्ट करना है। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप प्लीज ये काफी ध्यान से देखिए, क्योंकि दिस कैन हेल्प एवरी वन ऑफ यू इन दिस यंग एज। देखिए 500 का इन्वेस्टमेंट हम कर रहे हैं, और अगर हम एक 15% का रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं, 15% एक मतलब किसी को लग रहा होगा कि अरे इतना रिटर्न कहाँ मिलता है। एक्चुअली अगर हम म्यूचुअल फंड्स में देखें या फिर स्टॉक मार्केट का जैसे है कि मिल सकते हैं, क्योंकि किसी ईयर में काफी ज्यादा मिल जाता है रिटर्न। जैसे अगर इस साल का कंपेयर करो तो निफ्टी ने कुछ 36% रिटर्न दिया है इस साल भर, कोविड के बाद में काफी बूम हुआ है। तो जैसे इसमें आपको अगर 15% एक एवरेज रिटर्न हम कंपेयर करते हैं, और वो हम इन्वेस्ट करते हैं 30 ईयर्स के लिए। आज आप काफी यंग है, आपके पास में एक 30 साल का अगर हम टाइम पीरियड कंपेयर करते हैं, तो 30 ईयर्स के लिए अगर हम वो इन्वेस्ट करते हैं वो पैसा, तो उसमें अगर आज से हम SIP स्टार्ट कर सकते हैं, तो ऐसा है कि 360 मंथ्स हो गया, 50 रुपीज पर ईयर। जैसे अगर आपका खर्चा हर साल जैसे बढ़ता है, तो ऐसा हम एक टॉप अप अमाउंट पकड़ रहे हैं कि हर साल, जैसे ये साल में अगर आपने हर महीने 500 इन्वेस्ट किया है, अगले साल आप 550 रुपये इन्वेस्ट करोगे हर महीना। तो वैसा ही 50 रुपीज का अगर हम टॉप अप पकड़ते हैं, तो स्क्रीन पे हम देख सकते हो, और एक रेट ऑफ इन्फ्लेशन जो अभी का है 4.91 है। तो ये आप एक्चुअली गूगल भी कर सकते हो, मैंने कोई अपना मन से नहीं लिया है। गूगल पे जो रेट ऑफ इन्फ्लेशन है वो 4.91% आज की डेट में चल रहा है इन्फ्लेशन रेट, जिससे हमारे एक्सपेंसेस है या फिर जो मनी डिकेइंग का जो फंडा है वो एडजस्ट होता है। तो वो 4.91% अगर इन्फ्लेशन हम एडजस्ट करते हैं, तो अराउंड 30 ईयर्स में आपका टोटल जो इन्वेस्टमेंट होगा वो 4,41,000 होगा, जो एक काफी छोटा अमाउंट है। लेकिन उसके अगेंस्ट में अगर आप 30 साल के बाद में वो पैसा देखते हो कि अमाउंट लगाते हुए आपने लगाया 4,41,000, और जो आपको रिटर्न आया है वो है अराउंड 45,17,932 रुपीज। उसमें से अगर हम टैक्सेस भी निकाल देते हैं रफली 4 लाख रुपए के, तो आपके पास में एक 41 लाख का एक बड़ा अमाउंट सेव हो रहा है आपका। तो आई थिंक ये, और ये वो पैसा है जिसमें आपने कोई सेविंग, आपको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी है, आपको कोई अलग से कुछ दिमाग नहीं लगाना पड़ रहा है। बस आपके एक डिसीजन से कि मैं अगर पैसा सेव करता हूँ, तो आप इतना एक बड़ा अमाउंट सेव कर सकते हैं। और मैंने कुछ बहुत आउट ऑफ द रेंज अमाउंट में लिया है, छोटा सा अमाउंट 500 रुपए का हर महीना, सिर्फ 500 रुपए अगर आप सेव करते हो तो ये है। और टोटल अगर आप नीचे देखते हो, मैच्योरिटी अमाउंट वुड बी 45,792 आफ्टर टोटल इन्वेस्टमेंट ऑफ 4,41,000 फॉर 10 ईयर ऑफ 30 ईयर्स। तो 30 साल बाद, मतलब अगर आज हम काम करने लगे 500 रुपये साइड में रखना, ये साल में आज का मुझे लगता है आज से ही आपने शुरू कर देना चाहिए। 2022 है, फर्स्ट डे है, और अगर आप करते हैं अभी से तो पता नहीं अभी आगे चल के आपका भी यही बेनिफिट हो सकता है। तो एक बेसिक जो है कि इन्वेस्ट अर्ली और इन्वेस्ट बेटर, जनरली लोग बोलते हैं कि जब जागो तब सवेरा, लेकिन फाइनेंस में एक्चुअली ये लाइन काम में नहीं आती है। फाइनेंस में जितना जल्दी जागो उतना जल्दी आपका सवेरा होगा, उतने जल्दी आपको अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। तो वही है। और एक बेसिक दूसरा एक होता है कि हम हमारे इनकम वगैरह को ट्रैक नहीं रखते। जैसे अगर हमको घर से भी पैसा आ रहा है, तो अगर पकड़ लीजिए आपका वो अभी इनकम है, कि आपको आपके फैमिली से अगर कोई पैसा आ रहा है, तो हमारा ऐसा होता है कि 10,000 आ रहे हैं, मतलब हमारा 10,000 में कैसे तो महीना निकलना चाहिए। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि 10,000 आ रहा है, आप देखिए आपके एक्सपेंसेस कितने हो रहे हैं और उसमें से कुछ बच सकता है क्या। क्योंकि आपने ऐसा फंडा रखना चाहिए कि इनकम अगर 10,000 आ रहा है, 500 रुपये का मेरा ये है, मैं अगर हर महीने का सेविंग कर रहा हूँ, तो मैंने 9,500 रुपये में भले ही खर्च कर दूँ, लेकिन 500 रुपये महीना मैंने हर साल हर महीना साइड में निकालना ही, ये आपका मोटो रहना ही चाहिए। तो द इनकम माइनस सेविंग शुड बी योर एक्सपेंसेस, एंड नॉट इनकम माइनस एक्सपेंसेस शुड बी योर सेविंग। तो ये आपने हमेशा एक अलॉटमेंट अच्छे से करना चाहिए। अब बढ़ते आगे, अगर आपका एज 35 से 55 के बीच में अगर जब आते हो आप, या आपके भाई हो या कोई बड़े आपके एज में एज ग्रुप के हो जो
उनके लिए ये रहेगा कि ये टाइम पे आपके गोल्स हो जाते हैं कि मुझे घर लेना है, मुझे एक अच्छी कार चाहिए, या घूमने का जो होता है वैकेशंस होते हैं, हॉस्पिटल का एक्सपांशन हो गया, और चिल्ड्रन एजुकेशन का किसी का डाउट आ जाता है, किसी का रहता है कि चिल्ड्रन के मतलब बच्चों की शादियों का कुछ खर्चा, और रिटायरमेंट प्लान। देखिए रिटायरमेंट प्लान एक काफी इम्पोर्टेंट चीज है, क्योंकि आज आप काम कर सकते हो, टुडे वी आर कैपेबल ऑफ वर्किंग 16 आवर्स अ डे, 17 आवर्स अ डे इफ रिक्वायर्ड, बट ये आपका जो मोमेंटम है या फिर जो भी आप जिस स्पीड से काम कर रहे हो, ये आप लाइफ टाइम नहीं कर सकते हो। आपको अपना एक आज ही आपने सोचना चाहिए कि भाई अगर मैं 55 हो जाऊँ या फिर 50 में ही अगर मैं हो जाऊँ, तो फिर मैं मेरे फाइनेंसेस कैसे मैच कर सकता हूँ। तो ये जो एक एज ग्रुप है, इसमें बहुत सी बार ऐसा होता है कि आप ये काफी मेजर एक इसमें रोल होता है आपका, कि ये जो पीरियड होता है इसमें आप सबसे ज्यादा पैसे कमाते हो, कि आप बहुत एक्टिव रहते हो, ये आपका चेंजिंग जो एक हर डॉक्टर बोलते हैं कि ऐसा है कि उसको एक 10 साल का पीरियड मिलता है जिसमें वो उसकी लाइफ की पूरी अर्निंग कर लेता है। तो ये टाइम पे आप काफी बिजी रहते हो, आपको काफी सारे लोग अटेंड करते हैं कि कैसे हमने ये करना चाहिए, इन्वेस्ट करना चाहिए, बैंकर्स आपको देखते हैं, उनको पता होता है आपके बैंक अकाउंट में कितना पैसा है, तो वो आप पे ध्यान रखते होते हैं। तो आपने कौन सी गलतियां ये जो एज में है 35 से 55 वाला ही, उसमें क्या अवॉइड करनी चाहिए? तो फाइनेंसेस जो है वो ऐसा हो जाता है कि आप बिजी हो तो आपके वाइफ में घर में अगर जो है कि आप किसी आपके वाइफ को दे देते हो कि यार तू मैनेज कर ले, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि मैं तो बिजी हूँ तो वो अच्छे से कर लेगी, या फिर अगर वो आप अगर गर्ल है तो वो अगर बिजी है तो आप अपने हस्बैंड को दे दोगे कि मुझे तो नहीं टाइम मिल रहा है, आप प्लीज मैनेज कर लीजिए। बट अगर ये सब केस में कैसा होता है, अगर अपना इसमें कम हमारा ये चलता है, इसमें कुछ आइडिया अगर हमें कम है, तो हम काफी कंजर्वेटिव इन्वेस्टमेंट का प्लान करते हैं, जैसे हम गोल्ड में करते हैं। एक्चुअली गोल्ड एक है, एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है, गोल्ड में आप कर सकते हो इन्वेस्टमेंट, लेकिन अगर आप एफडी में करते हो तो ऐसा है कि एफडी में आपका पैसा ग्रो नहीं होता है, वो प्रोटेक्टेड रहता है, कि आप अगर एफडी कर रहे हो तो उसमें भी एक्चुअली आजकल ऐसा होता है कि काफी कोऑपरेटिव बैंक जो है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज है, वो भी लॉक इन आ रहा है उन्हें, कि अगर आपके पैसे वहां पर है और वो बैंक में अगर कोई इशू है तो आपको विड्रॉल की लिमिट दे दी जा रही है, कि अगर 6 महीने के पीरियड में आप 10 हजार ही निकाल सकते हो या 5 ही हजार निकाल सकते हो, ऐसे कुछ। तो एफडी का भी एक अभी काफी मुश्किल हो गया है, और अगर आप वो करते भी हो तो एफडी पे इंटरेस्ट रेट अगर 5% है, और मैंने आपको इन्फ्लेशन का रेट बताया वो भी 5% है, तो मतलब कोई सेंस नहीं बनता है कि आज आप अगर 100 रुपये डाल रहे हो, ईयर एंड पे 105 रुपये आपको मिलेंगे, और इन्फ्लेशन भी ऐसा हो गया है कि आज अगर वो कोई चीज लेने के लिए 100 रुपये देना है तो ईयर एंड पे वो चीज लेने के लिए 105 रुपये देने पड़ेंगे। तो इन शॉर्ट कोई रिटर्न तो आपको आया ही नहीं, लेकिन वही होता है कि एफडी में बस पैसा प्रोटेक्टेड रहता है। लेकिन ये टाइम पे जो है आपने क्या मिस्टेक्स अवॉइड करनी चाहिए, तो इसमें ये जो पीरियड है इसमें आपने आपके इन्वेस्टमेंट जो है वो काफी ध्यान से करनी चाहिए, जो रिड्यूस अननेसेसरी ऑब्लिगेशन की, बिना मतलब के प्लान्स मत ले लीजिए, बिना मतलब के इन्वेस्टमेंट अगर है तो वो मत कीजिए, एक कैलकुलेटेड रिस्क लीजिए कि मेरा कितना ये है, जैसे कि जो भी आपके रिक्वायरमेंट है, क्योंकि ये एक पीरियड आ जाएगा आपकी फैमिली इन्वॉल्व रहेगी, तब अगर आज आप बैचलर हो तो मतलब जरूरी नहीं है कि आगे चल के आप बैचलर ही रहोगे, जब शादी हो जाती है तो हमारे ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि हमको उन्हें भी मैनेज करना होता है, फैमिली को ध्यान में रखते हुए हम कैसे हमारे फाइनेंसेस को मैनेज करें, तो हमेशा एक कैलकुलेटेड रिस्क लीजिए। सेकंड होता है कि एचयूएफ, जैसे अभी हमें अंकल ने बताया कि एक एचयूएफ जो है एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का एक इनकम टैक्स में फंडा है, जिसके थ्रू आप टैक्स प्लानिंग काफी अच्छे से कर सकते हो। तो उसमें एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में ऐसा होता है कि वो एक आपके ही थ्रू एक आपके एक्सटेंडेड एक असेसी जनरेट करते हैं इनकम टैक्स में, और उसमें से इन्वेस्ट करेंगे जो एक लीगल वे है, और उसके थ्रू आपका काफी टैक्स सेविंग हो जाएगा। मतलब अगर आप ऐसा समझ लीजिए कि इधर अगर ऐसा हो रहा है कि आप 3-4 लाख रुपए का आपका टैक्स जा रहा है, बट अगर आप एचयूएफ ओपन कर देते हैं तो एक अराउंड 50% या 30 से 40% आपका टैक्स सेविंग हो सकता है, कि जहाँ पे 3 लाख जा रहा है हो सकता है वहाँ पे आपका 1.5 लाख ही जाए या उससे भी कम जाए, ऐसे आप कर सकते हो। और ये एक टाइम पीरियड में जब आप काफी इनकम जनरेट कर रहे हो, तो मैं एक सजेस्ट करूंगा कि आपने अल्टरनेटिव इनकम पर फोकस करना चाहिए आपके, कि व्हाट शुड बी, आज मैं काम कर रहा हूँ ठीक है, बट आगे चल के जब मैं नहीं काम कर पाऊँ तो मैं अगर पैसिवली भी रहता हूँ तो मुझे एक्टिवली इनकम आनी चाहिए, कि
जो भी है, जैसे अगर आप अभी अगर अच्छे इनकम कमा रहे हो तो आपने वेयर हाउसिंग का ही फंडा होता है कि वेयर हाउस में आप पैसे लगा सकते हो, आप इसमें लगा सकते हो, म्यूचुअल फंड्स में लगा सकते हो, तो ये एक इन्वेस्टमेंट आपने करनी चाहिए। या फिर होता है कि कुछ म्यूचुअल फंड होते हैं कि आपको टाइमली रिटर्न देते हैं कि हर महीना आपका जो अमाउंट है कुछ रिक्वायर्ड तो वो आपको रिटर्न देते हैं, ऐसे कुछ चीजें आप कर सकते हो। और 55 के अगर अबाव आपके फैमिली में भी है या और भी कोई डॉक्टर्स है जो देख रहे होंगे बाय एनी चांस, तो पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने काफी एक अच्छा अमाउंट सेव कर लिया है आपके लाइफ में। आप भी अगर आप यहाँ से एक आपके फ्यूचर में देखा जाओ तो एक 55 तो एक अच्छा कैपिटल आपके पास में जमा हो जाता है। तो उस टाइम पर आपने सबसे पहले तो ये करना है कि लिस्ट डाउन करना है आपकी इन्वेस्टमेंट। मैं एक्चुअली एक रिसेंटली एक डॉक्टर के से मिला था, उनका ऐसा था कि इतना इन्वेस्टमेंट थे कि उनको पता ही नहीं था कि कहाँ पर पैसे है। हाँ, होते ऐसे भी केसेस हो जाते हैं। तो लिस्ट डाउन कीजिए आपकी जितने भी इन्वेस्टमेंट है और उनको आप ठीक से सेव करके रखिए। आप ये एज में रिस्क कम लेना चाहोगे तो एफडीज पर मत शिफ्ट कीजिए। कुछ होता है कि एक बॉन्ड टाइप रहता है कि जैसे गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं, अगर बॉन्ड में आप पैसा डालते हो तो उससे भी एक फिक्स रिटर्न आता है जो एफडी से थोड़ा ज्यादा होता है। या फिर कॉर्पोरेट बॉन्ड्स भी होते हैं, जो अगर रिलायंस के कॉर्पोरेट बॉन्ड देखोगे तो आपको 12 से 15% के रिटर्न मिलते हैं, तो ऐसे कॉर्पोरेट बॉन्ड में डाल सकते हो। फिर आपने आपका इक्विटी एक्सपोजर जो है, अगर आपका शेयर्स में इन्वेस्टेड है अमाउंट, तो वो आप धीरे धीरे कम कर सकते हो, क्योंकि अगर आपको रिस्क नहीं लेना है और वो पैसा आपको सेफ गार्ड रखना है तो इक्विटी एक काफी फ्लक्चुएटिंग मार्केट वाला होता है कि कितना भी ऊपर नीचे जा सकता है, तो आप वहां से शिफ्ट हो सकते हो। एक टाइमली आउटफ्लो कि एक एज के बाद जब आप काम नहीं कर सकते हो कि अभी मेरा एज कम हो चुका है या बढ़ गया है और अब मैं उतना काम नहीं कर सकता, तो आपके इन्वेस्टमेंट्स ऐसे होने चाहिए कि एक टाइम के बाद में वही आपको रिटर्न दे करके। और ये एज में आपने आगे अपने नेक्स्ट जनरेशन को आपने प्रिपेयर करना चाहिए कि वो कैसे सीख सके कि क्या फाइनेंशियल ये रहना चाहिए। नेक्स्ट जनरेशन आपको, आप बता पाओ उनको कि उनके फाइनेंशियल गोल्स कैसे रहना चाहिए, उससे मैपिंग करा के देना चाहिए। और एक होता है कि विल इज इम्पोर्टेंट। विल मतलब जो ये एज में काफी लोग आ गए अगर हो गए तो उन्होंने अपना विल बना के रखना चाहिए कि मेरे जो इन्वेस्टमेंट है वो कैसे कैसे किसे किसे अलॉट हो गए, कि अगर आपकी वाइफ है, आपके चिल्ड्रंस है, उनमें वो कैसे उसका अलॉटमेंट होगा। काफी लोग ये इग्नोर करते कि नहीं, अभी मेरे पास में टाइम है, मेरे पास में समय है, बट आई थिंक वी ऑल नो दैट टाइम कम है सभी के पास, क्योंकि आज के एज में कुछ वी कांट ट्रस्ट इन कि कब तक हम है कब तक नहीं है। तो विल एक काफी इम्पोर्टेंट होता है, तो अगर आप ये एज क्रॉस कर रहे हो तो आपने एक अपनी विल बनाकर रखनी चाहिए। और ये एज में तो मैं यही कहूंगा कि एंजॉय योर लाइफ, आपने काफी मेहनत कर ली है, काफी टाइम आपने डाला है, तो अभी ये एज के बाद आप थोड़ा स्लो डाउन कर सकते हो। एक जनरल पॉइंट अभी है जो एक्चुअली सभी ने सोचना चाहिए, क्योंकि कोविड के बाद में जैसे काफी सारी चीजें चेंज हो गई है, तो अगर आप आज भी कुछ पैसा अगर अर्न कर रहे हो तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप ये चीजें अगर आप ध्यान में रखते हो कि डू आई हैव इमरजेंसी फंड फॉर नेक्स्ट 6 मंथ, कि अगर आज लॉकडाउन हो जाता है, वैसे तो डॉक्टर्स को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर बाय एनी चांस कुछ हो जाता है तो मेरे पास में एटलीस्ट इतने फंड्स है क्या कि 6 महीना भी अगर मैं आगे काम नहीं करता हूँ तो भी मैं खुद अपना सर्वाइव कर पाऊँ, मैं अपना टाइम निकाल पाऊँ, या फिर जो भी मेरे फाइनेंशियल नीड्स है वो पूरी होती है। सेकेंड है कि वेदर माई EMIs आर डिक्रीजिंग विथ माई इंक्रीजिंग एज, कि अगर आज आपके पास में आज आप यंग है तो ठीक है, आप मान सकते हैं कि आपने ये सब करना चाहिए, लेकिन अगर आपका एज बढ़ जाता है तो फिर आपके EMI कम होने चाहिए। सेकेंड है थर्ड है बजटिंग, कि आपकी इनकम तो फिक्स है, कि आज ये जो भी आपकी इनकम है, ये आपका जो भी पैसा आ रहा है वो फिक्स है, लेकिन खर्चे पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है, तो हमने एक बजटेड काम रखना चाहिए कि इतना पैसा आ रहा है, इतनी स्कूल फीस जाएगी, इतना जो चीजें लगेगी वो सब आपके मैनेज रहना चाहिए। लास्ट है चाइल्ड प्लानिंग, की अगर आगे जो भी आता है कि अगर आप एज वो एज ग्रुप में हो तो उन्हें उनके जो फीस है, कि आजकल देखा जाओ तो स्कूल फीस है ऑलमोस्ट, आप वो क्या बोलते हैं किंडर गार्डन जो होता है उसकी भी एक स्कूल फीस रफली ऐसा हो गया कि 50-60,000 से लेके 1 लाख रुपए के रेंज में हो गई है, तो वो आप मैनेज कर पा रहे हो क्या। और रिटायरमेंट प्लानिंग जो हम सभी ने एक्चुअली आज से ही वो प्लान धीरे धीरे करना चाहिए कि जो भी मेरा एज आएगा उस वक्त मेरे पास में इतना तो पैसा हो जिससे कि मुझे किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहना पड़े।
एंड लास्टली फाइनेंशियल रिजोल्यूशन फॉर 2022, कि आज फर्स्ट डे है नए साल का और हम क्या फाइनेंशियल रिजोल्यूशन कर सकते हैं। तो पहले तो मैं सजेस्ट करूंगा आप सभी को कि मेक अ गोल, आप लोग एक गोल अपना बनाइए कि क्या आपको ये नए साल में अचीव करना है, और उस गोल को अचीव करने के लिए आपके पास में एक रेगुलर SIP होना चाहिए कि आप ऐसा पैसा इन्वेस्ट करो कि धीरे धीरे वो हो जाए, क्योंकि आपको भी पता है कि अगर पैसा है तो ये काम बनता है, उसके बिना आपके गोल्स नहीं अचीव होगी। अगर आपको घूमना है, आपको एक्सपांशन करना है, या जो भी आपके गोल्स है, सफिशियंट इंश्योरेंस कवर, एक अच्छा इंश्योरेंस कवर ले लीजिए, क्योंकि आजकल के जो टाइम चल रहा है कि अभी कब किसी को क्या बीमारी लग जाए, वी नेवर नो। सो एक अच्छा सफिशियंट इंश्योरेंस कवर रहना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। 6 month इमरजेंसी फंड, जैसे मैंने पहले भी बोला, बी सेल्फिश फॉर योर गुड हेल्थ, कि आप काम कर रहे हो, आप डॉक्टर हो, आप लोगों की हेल्थ पे तो काफी ध्यान दे रहे हो, बट आप खुद को टाइम दे रहे हो क्या, जो नेसेसरी टाइम होता है आपका, कि इतना टाइम में 15 मिनट का वॉक हो गया, या आधे घंटे का कुछ वार्म अप एक्सरसाइज हो गया, या आप जिम जा रहे हो, तो ये एक काफी इंपॉर्टेंट चीज है कि इस पे आपने ध्यान देना चाहिए ये नए साल में। और गिव डेली 15 मिनट, तो मैं कहूंगा कि इससे ज्यादा दे सकते हो तो और भी अच्छा, लेकिन रोज आप 15 मिनट दीजिए कि आप कुछ नया सीख पाओ। है चल रहा है कि आपका मेडिकल एग्जाम ये चल रहा है, एजुकेशन चल रहा है, लेकिन कुछ ऐसा भी रहे जिसमें आप समझ पाओ कि कुछ नया मैं सीख रहा हूँ। अगर आप लॉन्ग टर्म में देखो, जैसे मुझे स्टॉक मार्केट में अगर इंटरेस्ट है, तो मैं डेली 15 मिनट या आधा घंटा टाइम डालता हूँ जहाँ पे मुझे कुछ नया उसके बारे में पता चले। आज वो काम नहीं करेगा, बट जैसे हमने एक पावर ऑफ कंपाउंडिंग देखा कि धीरे धीरे वो बढ़ते जाते, तो आज जो आपका नॉलेज है, जो आपका बढ़ रहा है, वो आज आपको इतना नहीं लगेगा, बट जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है तो वो आपके काफी काम में आएगा। सो यस, मेनली तो अभी इतना ही था। आई डोंट नो कितना आप लोगों को इंटरेस्ट आया या कितना समझ में आया है, एंड किसी को अगर डाउट हो तो अभी हम बात कर सकते हैं। यस, अगर किसी को अगर डाउट हो तो राइट टॉप राइट में एक चैट बॉक्स है, वो आप यूज कर सकते हो, या फिर माइक भी यूज कर सकते हो। थैंक यू आशीष सर, इट वाज रियली अ गुड सेशन, और नहीं, आई वुड हाँ, से मैं भी एक्चुअली अभी ये करने वाला था कि एक्चुअली जो भी डॉक्टर्स देख रहे हैं, वी आर वेरी, मतलब जो भी है कि वी नॉन डॉक्टर्स, हम वी आर वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू कि ये इतना जो टफ टाइम रहा है अभी पिछला 1 साल 2 साल, और पहले भी जो डॉक्टर्स हमें हमेशा सर्विस देते आए, तो उनका सभी को मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा कि इतने टफ टाइम में आप लोगों ने हमारा ध्यान रखा और हमें हमेशा हेल्प किए, और हम भी यही चाहेंगे कि आप वैसे ही आगे बढ़ते रहे और भी हमें हमारे फाइनेंस हमारे हेल्थ को आप सिक्योर रखें। लास्टली अगर किसी को भी कोई डाउट होता है तो ये मेरा कांटेक्ट नंबर है, या आप वेबसाइट पे भी जा सकते हो, या फिर लास्ट में सी आशीष साथे, मैंने मेरा इंस्टाग्राम हैंडल दिया है, तो वहां पर भी आप कांटेक्ट कर सकते हो। जी आदित्य सर, आप कुछ बोल रहे थे। यस, मैं ये बोल रहा था कि मेरे सर भी यही बोलते थे सर कि आपका मेडिसिन का जो नॉलेज है वो तभी वर्क करेगा जब आपको फाइनेंशियल और इकोनॉमिकल नॉलेज बराबर से होगा। तो आई थिंक यस आज यस वो स्टार्ट हो चुका है, और वो हाँ, फर्स्ट जैन से अच्छा दिन नहीं हो सकता है कि आज हम लोग ने फाइनेंस की तरफ स्टार्ट किया है। आप आपका रिव्यू सर को भी बोल सकते हो यूजिंग दिस इंस्टाग्राम हैंडल, या फिर डरमेड एकेडमी जो इंस्टाग्राम ऑफिशियल पेज है, तो वहां पर भी आप आपका रिव्यूज अपडेट कर सकते हो, या फिर अभी आपको कोई डाउट हो तो प्लीज पूछो। ओके, डॉक्टर शुभम पांडे सिंह, थैंक यू सो मच योर वेरी हाँ फॉर योर वैल्यूबल एक्सपीरियंस एंड नॉलेज। थैंक यू शुभम, थैंक यू एवरीवन फॉर अटेंडिंग दिस सेशन, यस, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। एंड ऐसे अच्छे अच्छे लेक्चर्स फाइनेंस रिलेटेड, इकोनॉमिक्स रिलेटेड, ऑल्सो मोटिवेशन रिलेटेड। सर का जो CA बनने का स्टोरी है वो बड़ा ही मोटिवेटिंग एंड इंस्पायर, बड़ा ही मोटिवेटिंग है। साइंस के बाद सर ने कैसा टर्न किया। यस यस यस, वो सो भी रखते हैं जो भी, तो हाँ, वो भी रखते हैं सर। यस सर, यस। यस ओके, एनी डाउट्स।
ओके ओके सर एंड कर सकते हैं, थैंक यू ओके सर सर। यस सर।